आज जितना भी आप होर्डिंग्स पे देखते हो, आप इश्तिहारों पे देखते हो, टीवी पे देखते हो, ये सब आपको सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। तो जब हम सच्चाई को समझने की बात करते हैं, जब हम जागरूकता की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि आपका अपना अनुभव क्या है, आपके जीवन के संघर्ष में पिछले 10 सालों से क्या परिवर्तन आया है, क्या महंगाई कम हुई है, हुई है, क्या बेरोजगारी कम हुई है, क्या आप समझ रहे हैं कि ये सरकार 2 स्तर पर चल रही है। एक स्तर पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, और दूसरे स्तर पे इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे आपकी कमर तोड़ी जा रही है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, आज रास्ते में एक जने आए, उन्होंने हमसे कहा कि उनका पूरा कारोबार GST की वजह से खत्म हो गया। चाहे बेरोजगारी की बात हो, एक और आए थे हमारे पास, एक लड़का आया, उनका नाम गुलशन था, आज ही इसी यात्रा में, और गुलशन ने हमें बताया कि अग्निवीर की परीक्षा 2 बार उन्होंने क्लियर की है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता। वो कह रहा था उलझन में है, जाना नहीं चाहता, क्योंकि 4 साल के लिए उनके पिताजी कहते कि तुम क्या करोगे जाके। तो आज जो सरकार निर्णय ले रही है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से हर स्तर पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो आपके खिलाफ लिए जा रहे हैं, गरीबों के खिलाफ लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पूरे देश की संपत्ति उनको दी जा रही है, आप खुद इसका अनुभव कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये कहने आई हूं कि आपकी जागरूकता आपको खुद बनानी पड़ेगी, आपको खुद अपने जीवन के अनुभव को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि ये सरकार पिछले 10 सालों से जो इस देश में चल रही है वो आपके खिलाफ काम कर रही है, गरीबों के खिलाफ काम कर रही है। इसीलिए जो ये न्याय यात्रा है और जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये आपके अधिकारों के पक्ष की यात्रा है।